आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपका स्वागत है। हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां मौजूद हैं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। उनसे तमाम मुद्दों पर अब बातचीत हम करने वाले हैं। अमित, बिल्कुल विवेक, हमारे साथ तेज प्रताप यादव है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, और वो तेज प्रताप यादव जिनके पहचान पर सवाल उठा है, और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सवाल उठा है। हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी हैं। तेज प्रताप जी, आखिर इस पार्टी में हो क्या रहा है? आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, कभी हमने सुना था कि आप उनको काफ़ी आदरणीय, बहुत अपना मानते थे कि पिता तुल्य है, आखिर ये नौबत क्यों आई कि आपकी पहचान गुमनाम हो गई? नहीं, देखिए, सबसे पहले जो बात उठी है छात्र राष्ट्रीय जनता दल से बात उठी है, बहुत दिन से कार्यालय में ही नहीं आ रहे थे, ठीक है, और दूसरी बात की जो छात्र की जब बात रखी गई, छात्र को जब शुरुआत किया गया, तो आदरणीय पिताजी आप सब लोग जानते हैं कि छात्र के उस समय में नेता हुआ करते थे, जब जेपी मूवमेंट जब चल रहा था, तो इसी सारी तस्वीर भी लगी हुई नहीं, तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं पिताजी की, और जो छात्र के जो उपज हुआ है वो आदरणीय पिताजी से ही छात्र का उपज हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, मतलब मैं तेज प्रताप यादव कौन है? तो तेज प्रताप यादव वो है जो गरीब जनता का आवाज उठाने का काम करता है, जो गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा, जो सामाजिक न्याय का जो हम बात करने का काम करते हैं, जो हमारे पिताजी का जो विचारधारा है उसको लोग तोड़ने का और बिखेरने का काम करने का काम कर रहे हैं। और ये कतई पूरी नौजवान और पूरे छात्र के जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो सुनने का भी काम कर रहे हैं उनको पूरे तरीके से पूरे हताश हो चुकी है। ठीक है, आपने हटाया आकाश यादव, संगठन में किसी और को आपने जगह दिया, छात्र नौजवान को आपने जगा दिया, जब छात्रों की बात आती है, लेकिन यहाँ पे जब उसकी ये भी तो आप सुनने का काम और जानकारी लेने का काम नहीं किया कि आखिर गलती क्या थी उसकी जो आपने इस तरीके का रातों रात किसी को आप अध्यक्ष बना दिए। कहते हैं कि जोर जबरदस्ती से नहीं चलती है पार्टी। पार्टी की बात करते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आदरणीय हैं, हमारे पिताजी के साथ मंत्री रह चुके हैं, और ये राष्ट्रीय जनता दल का ये संविधान है जो हमारे साथ है, इस संविधान ही उन्होंने बांटने का काम किया है। लेकिन जगदानंद सिंह जी एक चीज लाइन भूल गए इसमें धारा 33 जो है इसमें जो दिया है कि अगर आप किसी को पार्टी से अगर आप बाहर करते हैं, किसी की अगर मान लीजिए संगठन में कोई गलती करता है तो उसको नोटिस जाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के संविधान नहीं जानते हैं? नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, आकाशी यादव नहीं, तमाम ऐसे पार्टी के और छात्र के तमाम ऐसे और सीनियर नेता भी बेइज्जत होते हैं वहां जाकर के। कौन कौन लोग? नाम है सबका, गया के हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट है पूरा, अब मैं किनका किनका नाम लूं? तो आपने लेकिन कभी पार्टी के विरोध जो जाकर के आइए, जो धारा जो 33 है इसमें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जी। अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार अनुशंसा भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा। तो आपको नोटिस देना चाहिए, क्या आपने नोटिस दिया? छात्र नौजवान की क्या गलती थी? रातों रात आप पार्टी कार्यालय नहीं आते हैं, पार्टी कार्यालय छोड़ दिया आपने, पता नहीं कौन सी ऐसी बात को आप लेकर के चल दिए। हमारी लड़ाई क्या है सामने, हमारे विरोधियों से क्या लड़ाई है? जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने मुहिम को छेड़ने का काम किया था, आरक्षण को लेकर के हम लोगों ने छेड़ने का काम किया। तो कह रहे हैं कि मुकदमा करेंगे, गलत होगा तो मुकदमा कौन नहीं करेगा? आप बिना सोचे समझे, मतलब कि पार्टी में क्या मिठाई बट रहा है कि कोई भी आदमी आएगा आप मिठाई खा लो भैया, निकल जाओ भैया? आपको नोटिस लेना चाहिए, आपने प्रदेश अध्यक्ष पद को धूलमिल करने का काम किया है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी को आपने बदनाम करने का काम किया है।
तो आपने लालू जी से बात हुई इस विषय पर कि भाई वो पूछ रहे हैं हमसे कि कौन है तेज प्रताप, कभी आपने बातचीत किया? नहीं, तो जब वो बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, तो यू गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। न्यूज़ 18 के जरिए कहना चाहेंगे कि जगदानंद सिंह जी जब बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, तो आप देख लीजिए कि जब वो हमको पहचानने से इनकार कर रहे हैं हु इज तेज प्रताप यादव, तो आम जनता को कैसे पहचाना जाता होगा, आम कार्यकर्ता को कैसे पहचाना जाता होगा, आम मेहनती कार्यकर्ता जो छात्र को या संगठन को या पार्टी को आगे बढ़ाने का जो काम करता होगा वो किस तरीके से पेश होता होगा, वहां बेइज्जत होता होगा, पूरे तरीके से बेइज्जत होता है वो। जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं तब से तानाशाह की तरह, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी के माइक के लाल से डरने वाला नहीं हूं, जो सच्चाई है मैं सच्चाई को रखूंगा, और उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर के यह कदम उठाने का काम, आपको डराया जा रहा है, डरा के उखा कर लेंगे। लालू जी को तो डरे हुए नहीं किया विरोधी सब, लालू यादव के बेटा को डरा लेगा? तो आप मानते हैं इस चीज को कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर हो रहा है अब लगता है कि अब आपको दखल देना पड़ेगा, आपको एक लड़ाई लड़नी होगी? गलत जब जब हुआ है तब तब हम खुल करके सामने आने का काम किए हैं, जब जब संगठन में संगठन को जिस तरीके से आदरणीय पिताजी की जो विचारधारा है, लोहिया जी की जो विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर जी की जो विचारधारा है, फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, ये व्यक्ति ने बदनाम करने का काम किया है पूरे तरीके से, विचारधारा से भटकाने का काम किया हमारे नौजवानों को। तो जब जो आदमी विचारधारा से भटकेगा उसको हमको सही कुर्सी पे लाना होगा। बात तो संविधान की कर रहे हो, तो संविधान है ना, संविधान में तो क्या लिखा हुआ है, संविधान के विरुद्ध आपने काम किया ना, आपको तो पूछना चाहिए था ना, छात्र के संरक्षक हमको पिताजी ने बनाया, आखिर आप लोग के संरक्षक हमको हमारे पिताजी ने बनाया, आप कहां थे? आप बोल रहे हैं कि छात्र का कोई सभा था ही नहीं, पिताजी जिन यूनिवर्सिटी में जब, आपसे प्रॉब्लम क्या है उनको? उनको हमसे जलन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे जलन होता है। क्यों? अब क्यों होता है वो सवाल उनसे पूछिए, जैसे आज मीडिया वाले लोग के ऊपर भड़क गए हो कि तेज प्रताप ने खिला पिला के तुमको भेजा है, हु इज तेज प्रताप यादव, मतलब इतना हम नहीं सोच सकते थे कि जगदानंद अंकल जी का, चाचा जी का इतना स्तर गिर जाएगा। हम तो अपने पहली बार जीवन काल में, हम तो भाई उनके गोद में खेले हुए हैं, हम तो जीवन में पहली बार इस तरीके का शब्द उनके मुंह से सुनने का काम किया, वो भी चैनलों के माध्यम से, कि बेइज्जत कर रहे हैं, पत्रकारों को गाली दे रहे हैं सब जगह, समाज कहां ले जाना चाहते हैं आप? चचाई से एक बार बात करेंगे, चचाई से एक बार बात करेंगे किस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? चाचा जी चैनल पर अगर सुन रहे हैं ना तो हम फोन करेंगे तो उठा लीजिए, फोन भी नहीं उठाते हैं ना चाचा जी, मैं नहीं दिक्कत है चाचा जी को ना। आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हमारा पार्टी दफ्तर हम काहे नहीं जाएंगे, हम काहे नहीं जाएंगे, अपना पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का भाई हम सदस्य हैं, कोर कमेटी के हम सदस्य हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे हम? आप मानते हैं कि पार्टी में, हमारे संगठन में इस तरीके का काम हुआ है, नियम के विरुद्ध अगर जो भी चलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हमारी ये मांग है। आदरणीय पिताजी को भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम हमारी आवाज को वो सुन रहे होंगे तो, और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो डरे नहीं और इनसे बौखलाए नहीं, आपका तेज प्रताप यादव पूरे तरीके से संघर्ष करेगा, इसके लिए अगर खून भी बहाने का काम होगा हम खून बहाने का काम करेंगे, और पूरे तरीके से न्याय और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम। और इसके जो विरुद्ध जो हुआ है संविधान के, राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है, इसमें धारा 33 आप पढ़ लीजिए, धारा 33 में जो अभी हमने आपको बताया है, इस धारा के विरुद्ध उन्होंने काम किया है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए में। ठीक है, आपको पावर है, जब आदमी पावर में आता है तो बौखला जाता है, कुर्सी पर जब चिपक जाता है, सट जाता है तो बौखला जाता है, अब बौखलाहट में आकर के इस तरीके का कदम उठाने का काम करता है। तो नुकसान पार्टी को होगी अगर पार्टी के अंदर में इस तरह से, वो यही चाह रहे हैं ना जगदानंद सिंह जी, तो यही चाह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान हो, अगर उनको ठीक करना होता तो वो ठीक कर लेते तुरंत, वो ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं पुनीत जी, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को क्यों आग लगाया, हम ये जानना चाहते हैं, पूछिए उनसे जाकर के, आप सवाल कीजिए क्यों झंडा को आग लगाया। दूसरे तरफ आप झंडा को आग लगवाते हो और दूसरे तरफ तेज तेजस्वी को गाली सुनवाते हो। तेजस्वी से बात हुई इस विषय पर? तेजस्वी से हमारी बात हुई है, मैं मिलने जा रहा हूँ तेजस्वी जी से। आप कहेंगे सारी बात, बताएंगे सारी बात? तेजस्वी जी देख नहीं रहे होंगे,
कौन उनके इर्द गिर्द घूमता है, कौन चाटुकार से घिरे हुए हैं, अगर ये रवैया रहा ना पार्टी का और संगठन का तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। मैं ये भी स्टैंड आपको क्लियर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब अगर इस तरीके से होगा तो मैंने इस तरीके हम तो लगातार तेजस्वी के लिए चाहे संगठन के लिए हम लगातार खुले मंच के सामने हम बोलते आ रहे हैं, सबको बोलते आ रहे हैं कि हमारा अर्जुन है तेजस्वी, हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जगदानंद सिंह का जो अगर ये रवैया रहा तो इस तरीके से अमित एक सवाल है कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप है, तेजस्वी अर्जुन है, तो फिर धृतराष्ट्र कौन है और शकुनी कौन है? वो नींव होता है पूरे तरीके से, कार्यकर्ता पे संगठन का नींव गाड़ा जाता है। अगर हमारे कार्यकर्ता को तोड़ा जाएगा, हमारी जनता को तोड़ा जाएगा, निर्दोष जनता को अगर सटाया जाएगा तो तेज प्रताप यादव इसी तरीके से बगावती तेवर अपनाने का काम करेगा। जाइए देखिए किस तरीके से ये जो गुस्सा है वो साफ अमित आप हमें सुन पा रहे हैं, जो तेज प्रताप यादव है वो अमित ये बिल्कुल खुद को तेज प्रताप बराबर कृष्ण की भूमिका में बताते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी उनके अर्जुन हैं, तो इस पूरी कहानी में आखिर कौन धृतराष्ट्र है, कौन शकुनी है, यह भूमिका भी तेज प्रताप क्या स्पष्ट कर पाएंगे? अभी एक सवाल उनसे लिया जा सकता है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इन कहानी के बाजी से एक सवाल रह गया कृष्ण को, तो हम सब कुछ पता था। कृष्ण को तो सब कुछ पता था, कृष्ण को तो सब कुछ पता था, लेकिन आप सवाल एक बार दोहरा देंगे। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि जब कृष्ण की तेज प्रताप कृष्ण की भूमिका में है, तेजस्वी अर्जुन की भूमिका में है, तो इस पूरी कहानी में शकुनी कौन है और धृतराष्ट्र कौन है? जो हमारे पिताजी की जो ये तस्वीर है, छात्र के जब नेता की तस्वीर है। अच्छा, आई बोल रहा कि छात्र सभा नहीं है, छात्र सभा तो हमने गठन ही नहीं किया, उनके गठन करने से होगा कि पिताजी ने आंदोलन के समय में छात्र सभा को गठन कर दिया। अच्छा जी, एक सवाल ये है हमारे स्टूडियो से कि विवेक ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो आप कृष्ण और अर्जुन की बात कर रहे हैं, ठीक है आप दोनों भाई आप लोग साथ हैं, तो इसमें आखिर धृतराष्ट्र और शकुनी कौन है? वो तो सामने दिख रहा है कि कौन धृतराष्ट्र है, कौन शकुनी है, कौन हरियाणा में धृतराष्ट्र है और कौन यहाँ पटना में शकुनी है, वो तो सब दिख रहा है सामने। धृतराष्ट्र शकुनी वो तो सामने हो गए, तो धृतराष्ट्र और शकुनी का क्या हस्र हुआ था? महाभारत में दिया हुआ है, यदा नाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब गरीब गुरबा को सटाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, छात्र के नौजवानों को परेशान किया जाएगा, तब तब मेरा अवतार होगा। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमने नहीं कहा, भगवान ने कहा। तेज प्रताप शांत हैं, अभी भी अशांत हैं। तेज प्रताप यादव ने सारी बातें जो है आप ये कह रहे हैं कि अब शांत हो गए हैं, और हालांकि इस बात की जो पहचान छिपने की बात थी जिसमें कि जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा कि हु इज तेज प्रताप, इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि जिस लालू प्रसाद यादव के साथ वो नवरत्नों में एक रहे जगदानंद सिंह, और जिस गोद में तेज प्रताप खुद खेले जगदानंद सिंह के, उनको मेरी पहचान नहीं समझ में आ रही है कि आखिर तेज प्रताप यादव कौन है, हु इज तेज प्रताप। तो कहीं ना कहीं इस बात की गुस्सा है, लेकिन एक बात साफ है विवेक, जो तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी दी और अभी न्यूज 18 के जरिए एक अपील भी की है, और न सिर्फ लालू प्रसाद यादव से बल्कि जगदानंद सिंह से भी कहा है कि आप बातचीत करिए, यानी कहीं ना कहीं अगर मुकदमा की बात कर रहे हैं लेकिन एक रास्ता छोड़ रहे हैं कि आप बातचीत करें, लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत करेंगे, अपने भाई तेजस्वी यादव से भी बातचीत करेंगे, तेजस्वी यादव बाहर है पटना पहुंचेंगे उनसे बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं पार्टी का इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करते हैं लोग। ये जो अंतरकला है वह खुलकर सामने आ गया है विवेक, और तेज प्रताप यादव ने बहुत बेबाकी से न्यूज 18 के जरिए वो सारी बातें उन्होंने दाई तरफ कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, लालू प्रसाद संघर्ष के दिनों की कहानी, छात्र आंदोलन, तमाम चीजें एक्सप्लेन करते हुए तेज प्रताप नजर आ रहे थे। जगदा बाबू उन तस्वीरों में दिखते हैं क्या? बिल्कुल, हमें तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, अपने सहयोगी
सुबोध से कहेंगे कि सुबोध जी जरा दिखाइए। देखिए लालू प्रसाद यादव की कई सारी तस्वीरें जो है यहाँ दिखाई पड़ रही है, शायद इस तरह की तस्वीरें आप बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन न्यूज 18 के जरिए आप देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बहुत सारी तस्वीरें उन समय के जब लालू प्रसाद यादव संघर्ष करते थे, और उन तस्वीरों में देखिए छोटा बच्चा जो है ये तेजस्वी यादव ये दिखाई दे रहे हैं गोद में। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं जिसमें कि हम इस पे खोजने की कोशिश करते हैं कि जगदानंद सिंह इस पे कहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। जगदानंद सिंह जी जरूर होंगे क्योंकि जगदानंद सिंह उस दौर में लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक थे। यहाँ जगदानंद सिंह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव के मंच पे कई लोग जो हैं जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं उस पर जगदानंद सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये बहुत अनोखी तस्वीरें हैं। शायद ये तस्वीरें लालू प्रसाद यादव के लिए उनकी खुशियों के लिए और जो उनकी चाहने वाले लोग हैं उनके लिए तेजप्रताप यादव ने लगाई है, और ये वो गैलरी है। हम देखिए तस्वीरों को हम दिखाना चाह रहे थे। तेजप्रताप जी जरा बताइए कि इसमें कौन कौन सी तस्वीर लालू जी के साथ, जगदानंद जी भी दिखाई दे रहे हैं कहीं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो? यहाँ देखिए कपिल देव दिखाई दे रहे हैं, फिर से पिताजी का रैली का है। ये पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो डीजल और पेट्रोल का दाम महंगा हो गया था, तो साइकिल से विधानसभा जाने का काम किया। बताइए ये रैली का है, इसमें आप कहाँ है इस तस्वीर इसमें हम ये क्या है? अच्छा, पिताजी ये तस्वीर में तेज प्रताप जी है, ये तेजस्वी जी है। अच्छा ये तेज, अच्छा यहाँ तो तेजस्वी जी कृष्ण बने हुए हैं। हाँ यहाँ कृष्ण बने हुए हैं तेजस्वी जी, और यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर है जो सफाई में रहती है, राजलक्ष्मी सफाई में जो है वहाँ पे। राजलक्ष्मी जो हमारी बहन है बहुत मेहनती है, वो हमको बहुत मानती है। तेज प्रताप का गुस्सा शांत है अभी, और इसमें भी देख लीजिए यहाँ पिताजी हैं, यहाँ माता के साथ हैं तेजस्वी जी हैं, यहाँ यहाँ देख लीजिए यहाँ बहुत सारे समाजवादी नेता हैं पूरे तरीके से, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जगताप सिंह जी नहीं हैं, यहाँ यहाँ भी यहाँ यहाँ भी देख लीजिए पिताजी हैं, सब पुराने समाजवादी नेता हैं, सब जगह आई देख लीजिए। सद्भावना रथ है, उस समय सद्भावना रथ निकला था पिताजी का, ये है वो सद्भावना रथ, ये उस समय का फोटो है। और ये देख लीजिए पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ नीतीश कुमार है, यहाँ भी नीतीश कुमार जी हैं। हाँ यहाँ भी नीतीश कुमार जी, जनता दल का था उस समय का, तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। यहाँ भी हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ पिताजी भोजन कर रहे हैं। जगदा बाबू कहीं नहीं, जगता बाबू नहीं है, देखिए तिवारी बाबा हैं ये, शिवानंद तिवारी जी हैं ये, कहाँ हैं यार जगता बाबू? इनका तो शुरू से पूछ नहीं है ना, अपने कारनामों की वजह से इनको कोई नहीं पूछता है, जिस तरीके का बयान जो देते हैं इनके कारनामों की वजह से। अब देखिए कि एज भी फैक्टर होता है, सच्चाई लोग जानता है, मतलब कि जैसे जैसे आदमी का एज होता है ना, सीनियर होते चले जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा बिलबिलाने या बौखलाने लगता है, तो ये चीज़ आदरणीय हैं, सीनियर हैं, हम उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसमें उनकी क्या गलती होगी? एक सेकंड उसमें उनकी क्या गलती होगी? लेकिन जब एज फैक्टर इनको छा गया है पूरे तरीके से, लेकिन जब ये पद पे बने हुए हैं तो गलत काम इनको नहीं करना चाहिए, इस तरीके का गलत काम उन्होंने क्यों किया? नहीं करना चाहिए इस तरीके का गलत काम। हाँ अमित, लेकिन जो भूमिका की जहां तक बात है, उन्होंने जरूर कह दिया कि एज फैक्टर है, लेकिन ये बात जरूरी है कि तेज प्रताप को इन सभी का आशीर्वाद मिला, बराबर इस बात को रिपीट करते हैं। और पॉलिटिकल एंगल से अंकलों की अगर बात करें तो कई अंकल हैं इनके।